गुड मॉर्निंग 9th बी बेटा, कल आपां लेटर कर रहे सी, ठीक है। आपां दफ्तरी पत्र दे विच कीता सी कि अखबार दे संपादक नूं तुसीं पत्र लिखना है उहदे विच वध रही महंगाई बारे, ठीक है। अज असीं करांगे कि फैल रहा जिहड़ा मलेरिया है या डेंगू है उहदे संबंधी तुसीं सिहत विभाग नूं पत्र लिखना है, ठीक है। राइट, हैडिंग देख लो, इलाके विच मलेरिया फैल गया है, इस संबंधी तुसीं सिहत विभाग नूं पत्र लिखना है। ओके, सो इहदा फॉर्मेट लिख लो, एक पेज से फॉर्मेट लिख लो, नैक्सट पेज से लैटर लिख लियो। लैटर आप डिस्कस कर लवेंगे, ठीक है, कि वो लैटर किदा हो सकती है, उहदे विच होर की आप कंटेंट मैटर ऐड कर सकते हाँ, ठीक है। सो फर्स्टली सेम ऐसे तरह ही राइट साइड पे प्रीख्या भवन डैश डैश केंद्र डैश डैश शहर देन मिति, ठीक है, जिस सिंधे तुसी लिखोगे। देन इस साइड पे सेवा विखे, ठीक है, हुण असी किहनू लिखना है, आपां सेहत विभाग नूं लैटर लिखनी है। ओके, सो सेहत विभाग नूं लैटर लिखण लई पहला आपां की करांगे, डायरेक्टर साहब, क्योंकि आपां हमेशा उच्च अधिकारी नूं लैटर लिखदे हां, ठीक है। ते जो भी लैटर दा जो आपां कंटेंट मैटर जिस अकॉर्डिंगली कीता है उहदे अकॉर्डिंगली जो भी उच्च अधिकारी होएगा, जिस तरह आपां जे आपां साइकिल गुम होण लई रिपोर्ट लिखदे हां ते असीं SHO नूं लिखदे हां, ठीक है। अखबार नूं लिखनी है ते अखबार दे आपां एडिटर नूं लिखदे हां, क्योंकि उही उस टाइम ते उच्च अधिकारी हुंदा है, इसे लई डायरेक्टर साहब, ठीक है। फिर आपां लिखनी किहनूं है, सिहत विभाग नूं, ठीक है, सिहत विभाग कौमा डैश डैश शहर, ठीक है। इहदे विच कोई पर्टिकुलर शहर दा नाम नहीं आएगा, बिकॉज शहर विभाग तो हर थां ते ही हुंदे ने, चंडीगढ़ भी है, मलेरकोटला भी है, गुरदासपुर भी है, ठीक है, हर एक सिटी का सिहत विभाग हुंदा ही हुंदा है, इसलिए आपां डैश डैश शहर लिखांगे, ठीक है। देन आफ्टर विशा, तो विशा कंटेंट मैटर दे अकॉर्डिंगली फैल रहे मलेरिया बारे, ठीक है। देन फिर आपां लिखांगे कंटेंट मैटर, उहदे विच तुसीं उस तों बाद विच श्रीमान जी आई गैस जिहड़ी आपां कल लैटर लिखी सी उहदे विच श्रीमान जी नहीं सी लिखिआ, है ना, उहदे विच श्रीमान जी लिख लियो, ठीक है। अखबार दे संपादक नूं आपां नहीं सी लिखिआ, आपां विशे तों बाद विच सिद्धा कंटेंट मैटर तों शुरू हो गए सीगे, ठीक है। सो श्रीमान जी लिख लियो। देन नैक्सट लाइन विच स्टार्टिंग कितना करनी है इत्थों दी, कि सनीमर बेनती है कि मैं इस इलाके दा वासी हाँ, ठीक है। सनीमर बेनती है कि मैं डैश मोहल्ले दा, ठीक है, डैश लिख लो, डैश मोहल्ले दा वासी हाँ। देन मैं तुहाडा ध्यान, ठीक है, जिस तरह आपां सेम अखबार दे संपादक नूं शुरू कीती सी स्टार्टिंग उदां ही आएगी, ठीक है। सनीमर बेनती है कि मैं डैश मुहल्ले दा वासी हाँ, मैं तुहाडा ध्यान अपने इलाके विच फैल रहे, क्योंकि आपां किहदे विच इलाके विच फैल रहे, ठीक है, मलेरिया बारे आपां लिख रहे हैं लैटर, मैं अपने इलाके विच फैल रहे डेंगू बारे या दिनों दिन वध रहे डेंगू बारे या मलेरिया बारे, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਹੈ
ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੀਆ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਬਹੁਤ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਨੀਵਨ? ਰਮਨੀਕ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਨਪਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਗੁੱਡ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੋਚੋ। ਯੈਸ ਦੀਆ, ਵੇਟ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਗੁੱਡ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਪਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਡੇਂਗੂ ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੂਲਰ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਮਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਬਦਲਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਵਾਲਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੂਲਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਵਾਲਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਿੱਜ
फ्रिज होंगी ना हर एक घर में, अजकल तो वैसे फ्रिज जी है वो चेंज हो गई है, पहला पहला वाली जो फ्रिजा से ना वो पिछे ना साइड से लास्ट जो हों पिछे वो ना एक ट्रे जी होंगी है, ठीक है, वो ट्रे में ना पानी इकट्ठा रहता है। सो जो वो वाले पानी को समय सिर बदलिया ना जाए तो वह पानी गंदा हो जाता है तो मच्छर जन्म लैंदा है, ठीक है। या एक होर कई बार आप करते हाँ आप कई घर सरकारी टूटी वाला पानी आता ना, सरकारी पानी आता तो वह की करते हैं कि पानी कई बार गर्मियों के दिनों नहीं आता, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होंगी है, इसलिए लोग की करते हैं फॉर सेफ साइड अपने लिए वह पानी जमा करके रख लेंगे ना, टब वगैरह भर के रख लेंगे, ठीक है। तो फिर वह दो तीन दिन टब एज इट पिया रहा है क्योंकि उन्होंने अपने लिए रख्या होंगे सेव करने लिए पानी, ठीक है। तो वह जरा पानी है वो दे विच भी मच्छर जन्म लेंदा है, डेंगू वाला मच्छर। तो जरा मच्छर है शायद तुम्हें पता हो बहुता ज़्यादा उच्चा नहीं उड़ता, ये हमेशा नीचे नीचे ही रहा है, ठीक है, मतलब साढ़े नी तो नीचे नीचे ही रहा है, ठीक है। सो इसलिए प्रीकॉशंस लैन लिए हमेशा तुम्हें कहा जाता है कि सॉक्स पा के रखो इन्होंने दिनों में स्पैशली जो हुमस वगैरह होंगी है, ठीक है। ये हो गए यदि स्थिति रीजनस हो गए कि मलेरिया फैलता किदा है, ठीक है। तो फिर तुम कह सकते हो कि इनू आप मलेरिया जो फैलता है वो की होंगे है लोग बहुत सारिया उन्होंने बीमारियां लग जाए जिमें कि डेंगू, डेंगू के फीवर जोड़ा होंगे बहुत हाई होंगे है ना, 105 तक चल जाता, 104-105 तक चल जाता है। तो हस्पताल देखो तुम उस दिनों बैड ही नहीं मिलता है ना, इन्ने सारे वो मरीज जोड़े होंगे ने दाखिल हुए होंगे, सैल घट जाते हैं, ठीक है। ये मेन प्रॉब्लम की है, ये सैल घट जाते हैं बॉडी के, ठीक है। सो सैल घट जाते हैं, कई शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है, वो होंगे मरीज की मौत तक हो सकती है, ठीक है। ये एक पैरे के लिख दी सिचुएशन लिख दी, दैन सजेशन सजेशन तुम्हें की लिखना है। सो मैं इसलिए थोड़े तो ये उम्मीद करती हाँ कि तुम एक तो माहर डॉक्टर एक्सपर्ट्स जोड़े होंगे ने ना, माहर डॉक्टर की टीम, ठीक है, माहर डॉक्टर की टीम जी है वो साढ़े इलाके भेजो ता कि हर एक की जांच कर सकन है ना, हर एक चैकअप कर सकन। एक माहिर डॉक्टर की टीम होगी, एक जो दिया ने दसिया कि सफाई कर्मचारी जोड़े हैं उन्होंने भेजा जाए ता कि इलाके की या साढ़े उतों की महल्ले की जोड़ी सफाई है वह चंगी तरह हो सके, ठीक है। फिर तुम लिख सकते हो कि सानू खुद को भी जिम्मेदार बनना चाहिए है, घर जो कूलर का पानी है उन्हों बार बार बदलना चाहिए है, ठीक है। पानी नू स्टोर करके या पानी नू भर के नहीं रखना चाहिए, ठीक। सो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना रखना चाहिए है। या एक होर दिया ने पॉइंट दसा कि जड़िया दवाइया हैं वह पहला ही प्रोवाइड कीतिया जान, दवाइया का प्रबंध पहला ही किया जाए ता कि हर एक नू दवाई पहला ही दी जाए ता कि अपना पहला ही प्रिकॉशनस लै सके, पहला ही सावधानियां वरत सके, ठीक है। कर लोगे या एक देखा होगा इन्ह दिनों ना एक गड्डी आती है धुएं वाली है ना, वो की करती है आले दुआले या आप कह सकते हाँ कि एक मच्छर मारन वाली दवाइया का छिड़का किया जाए, ठीक है। छिड़का मतलब की है वो एक दवाई जी होंगी उन्होंने छिड़क के जाते हैं वो होंगे आ मच्छर जोड़ा आ डेंगू वाला मच्छर होंगे वह मर जाता है, ठीक है। या सानू चंगी तरह अपने आप को शरीर को ढाके रखना चाहिए है, चंगे जड़े हैं खाना पीना चाहिए है, ठीक है। ये नैक्सट जोड़ा पैरा है वो सजेशन का बन गया, क्लीयर है सबनों, ठीक है। फिर तुम एंड कि करोगे कंटेंट मैटर लिख लिया, ठीक है, डैश डैश डैश। फिर तुम लिखोगे कि मैं उम्मीद करती हाँ या मैं उम्मीद करता हाँ कि तुम मेरिया इन्हों गलों ध्यान रखोगे, ठीक है, ये चंगे प्रबंध करोगे, ठीक है, या इस संबंधी चंगे इंतजाम करोगे। दैन एंड ते फिर उ आप जी का विश्वास पात्र डैश डैश नाम डैश डैश पता, ठीक है। जिहड़ा राइट साइड वाला फॉर्मेट है वह हर एक लैटर स्पैशली दफ्तरी पत्र सेम रहेगा, ठीक है।
बस ए वालियां जिहड़ियां चीजां ने ए चेंज हो जाणगियां, ओह वी तुसीं ध्यान रखना, सिर्फ ए दो लाइनां चेंज होणगियां, ओह वी आपां जिस नूं लेटर लिखनी हुंदी है पहलां ओह हैड दा नाम आंदा है, फिर जिस डिपार्टमेंट नूं आपां लिखनी हुंदी है ओह वाले डिपार्टमेंट दा नाम, दैन शहर। ठीक है, सिर्फ अखबार के संपादक नूं पत्र दे विच आपां शहर दा नाम लिखदे हाँ, बाकी आपां हर एक लैटर दे विच डैश डैश शहर पा दिंदे हां। ठीक है, बस यही ध्यान रखना, बाकी कंटेंट मैटर है वह तुसीं अपने आप भी बना सकते हो। राइट, निजी पत्र विच विशा नहीं लिखना, दफ्तरी पत्र विच आपां विशा लिखना है। सो दो तरह दीआं तुहानूं लैटर ने, निजी ते दफ्तरी। दफ्तरी विच भी सरकारी है ते गैर सरकारी है। ठीक है, वह सरकारी गैर सरकारी नहीं आएगा, सीधा ही तुहानूं दफ्तरी पत्र आएगा, कोई भी लैटर तुहानूं आ सकती है। ठीक है, सो हाले तक आप आई थिंक कर चुके हाँ एस एच ओ वाली कर ली आप। ठीक है, दूसरी ए हो गई, होर आप की है लैटर नगर निगम वाली की आप लैटर। ठीक है, आप पीटी थ्री दे विच कीतियां सीगियां एस एच ओ वाली। ओके, मेयर साहब वाली की हुई है, हाँ जी, तो तीसरी ए होगी। ठीक है, हुण इहदे अंडर होर केड़ियां केड़ियां लैटर्स आ सकदियां ने वह नोट कर लो। ए वाली डेंगू वाली तुसी लैटर अपनी कॉपी उत्ते फुल फ्लैज लिख लियो। ठीक है, होर लैटर्स केड़ियां केड़ियां आ सकदियां ने फेयर कॉपी ते या तो तुसी बैक साइड ते लिख दो या फिर उहदे विच ही लिख लो कि इस कंटेंट मैटर दे अंडर होर लैटर्स आ सकदियां ने, सो भी आपां डिस्कस कर लैंदे हां। ठीक है, सिक्की लिखो कि इलाके विच तुहाडे इलाके विच लोकां दी सेहत जांच लई। ठीक है, इलाके विच लोकां दी सेहत जांच लई कैंप लगाया जावे। ठीक है, इलाके विच लोकां दी सेहत जांच लई हर महीने एक कैंप लगाउण लई कैंप लाने लई पत्र किनू, अगेन सेहत विभाग नू। ठीक है, ये दूसरी लैटर होगी, ये पहली ते ये दूसरी। ठीक, कि हुण देखो कंटेंट मैटर सॉरी फॉर्मेट विल बी सेम। ठीक है, सिर्फ कंटेंट मैटर जिहड़ा है वह चेंज होएगा। राइट, हुण सेम उही वाला डायरेक्टर साहब नू तुसीं लैटर लिखनी है सेहत विभाग। ठीक है, ते डैश डैश शहर, दैन विशा चेंज हो जाएगा वो अकॉर्डिंगली। ठीक, फिर तुसी लैटर की लिखनी है कि तुहाडे इलाके दे विच बहुत सारिया बीमारियां फैल रही हैं। ये तो पर्टिकुलर एक बीमारी का नाम से ना मलेरिया या डेंगू, तुहाडे इलाके विच बहुत सारिया बीमारियां फैल रही हैं, है ना, लोग बीमार हो रहे हैं, तो तुहाडे इलाके विच कोई डिस्पेंसरी नहीं है। ठीक है, तो कई कई दिन सानू कि उन्होंने कहिंदे ने सफाई कर्मचारी भी नहीं आता। ठीक है, तो बहुत सारिया बीमारियां उहदे नाल फैल रही ने, बच्चे बजुर्ग सारे बीमारियों की जकड़ विच आए हुए ने, तो साढ़े कोई नेड़े तेड़े डिस्पेंसरी नहीं है, सानू इलाज करवाने लई बहुत दूर जाना पैंदा है। ठीक है, तो कई बार इदा कोई एमरजेंसी हुंदी है तो सानू डॉक्टर की जिहड़ी सहूलत है डॉक्टरी सहूलत या डॉक्टरी सहायता नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इसलिए जे तुहानू आपां कि उहनू कहिंदे आपां बेनती करते हाँ कि तुसीं साडे इलाके दे विच सेहत जांच कैंप लगाओ जिहदे विच माहर डॉक्टरों की टीम आवे। ठीक है, यस रमनीक मैम, हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि साडे इलाके विच गरीबां दी गिनती बहुत है ते ओह पैसिआं दी कमी कारण चैकअप नहीं कराउंदे हन ते इस कारण सारे इलाके विच बीमारी फैलती है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ओके, कोई होर पॉइंट दसो जरा तुसी ऐड करना चाहो ये। ठीक है, गुड, गरीबां दी गिनती है वो पैसे नहीं देना चाहते, है ना, क्योंकि फिर जे आप हॉस्पिटल्स वगैरह च जाने हाँ तो उत्थे नैचुरली बहुत सारिया फीसा मंगिया जांदियां ने, तो वह अफोर्ड नहीं कर सकते, वह दे ही नहीं सकते, है ना, पैसे नहीं दे सकते, इसलिए तुसी जिहड़े माहर डॉक्टर की टीम है वह बुलाई जाए। तो ये जिहड़ी सारा प्रबंध है वह कौन करता है, सेहत विभाग। ठीक है, या उस इलाके दे विच जिहड़ा सरपंच हुंदा है वह पूरा प्रबंध करता है पूरे पिंड लई। ठीक है, तां कि माहर डॉक्टरां दी टीम आवे वह हर एक नूं कोई कोई जिदा ग्रुप बनाए जाण उहदे अनुसार उहनां नूं चैक कीता जावे। ठीक है, एनी अदर पॉइंट।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਮਨੀਕ ਮੈਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲੀ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਂਪ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨਾ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਸਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਵੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਫ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਟਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਲੈਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਲੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਮਲੇਰੀਆ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਜ਼ਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
है ना, कई बार होंगे ना वह कितनी ज़्यादा स्मैल आती है जो गंदगी कूड़ा करकट हों, खास करके जो मीह बारिश का मौसम हों, मीह का मौसम हों, जो कूड़ा करकट है वह गिला हों रहा, तो वो बड़ी उद्दे चो बदबू जी आन लग पी है, तो वो लोगों सह की बीमारी हो जाती है, फिर वह गंदगी से कई तरह के जिस तरह कीड़े मकौड़े हो गए या मच्छर हो गया वह जन्म लैंदा है, जिदे लोगों बहुत सारिया बीमारियां लगदिया हैं। ठीक है, तो इदा लिख के फिर कह सकते हो कि मैं उम्मीद करता हाँ कि कर्मचारियों की जड़ी है वो एक टीम बनाई जाए, ठीक है, या जो कर्मचारी है उन्होंने ही बदलिया जाए या वो खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, बस तुम फिर इदा इनू एंड कर देना, कंकलूड कर देना। ठीक है, ये तीन लैटर्स सेहत विभाग के अंडर आ सकती ने, होर कोई भी लैटर आ सकती है, बट सिर्फ तुहानू फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट मैटर तुसी अपने वालों भी बना सकते हो, और कंटेंट मैटर जो आप बनाने ना उदो इस तरीके ना बनाया करो कि वो ना तो बहुत ज़्यादा वड्डा होवे ते ना बहुत ज़्यादा छोटा होवे। ठीक है, मतलब 6-7 लाइन एक पैरे विच ते 6-7 लाइन दूसरे पैरे विच, ए ना होवे कि तुसी सीधा ही लिख दो कि मैं इस मोहल्ले दा निवासी हाँ, साडे इलाके विच मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, इसलिए तुसी सेहत जड़े हन माहर डॉक्टर नूं बुलाओ, बस दैट्स इट, नो। ठीक है, उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करा करो हर एक चीज, जो आप राइटिंग स्किल करते हैं ना, क्योंकि हुण तुहानूं राइटिंग स्किल्स ने, लैटर है, एसे है, तो प्रॉपरली जस्टिफाई करा करो। ठीक है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे, ये भी नहीं एक्सप्लेन करना बैठ जाओ कि लैटर ही तुसी 3-4 पेजा दे लिख दो, नो, राइट, उन्होंने 2 दी पॉइंट गल करो, पर 2 दी पॉइंट भी गल इदा दी करो कि वो क्लीयर हो जाए अगले नूं पढ़न लगे। ठीक है, और शब्द हमेशा सही वरतो, ठीक है, रूड लैंग्वेज इहदे विच ना होवे, क्योंकि आपां किसे उच्च अधिकारी नूं लैटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपां हमेशा बेनती करके लैटर लिखनी है। ओके, सो अपने जिहड़े शब्द ने वह भी इस तरह के लैके आओ, या किसी नूं कोई भी जिस तरह पहला डिस्कस कर लिया करो, अगर किसी ने हुण जिस तरह दिया है, ठीक है, डिस्कस कर लोगे तो दूसरा उन्हें क्या सीखा पनपदा, चलो पनपदा हिंदी का वर्ड है, ठीक है, फिर जन्म लेंदा, इस तरह के काफ़ी सारे वर्ड्स ने जो निकल आते हैं, जो तुसी राइट लैटर लिखते हो ना, काफ़ी सारे वर्ड्स तुहाडे माइंड में आते हैं। ठीक है, सो वर्ड चाहे सिंपल होवे पर सही होवे, ठीक है, क्लियर है। सो आशा तुहाडा होमवर्क यही है कि तुसी मलेरिए वाली जिहड़ी लैटर है उन्हें फेयर कॉपी पर करना है, राइट। सो नेक्स्ट ना बच्चे थानू टेस्ट दे विच सस्सा भाग मुहावरे भी आने ने, ठीक है, तो आप शुरू कर लें अज, कल आप कॉन्टीन्यू कर लवेंगे। ओके, क्योंकि थानू ऊड़े तो लैके हाँ तक मुहावरे ने, ठीक है, सो सस्सा भाग मुहावरे थानू टेस्ट विच फिलहाल 1-20 आने ने, बट आपू करने सारे ही पैणगे। ओके, सो तुसी मुहावरे भी आप हमेशा जिहड़ी भी चीज़ होवे कॉपी ते लिखनी जरूर हुंदी है, तां कि जदों असीं कॉपी खोलीए तो सानू इन्ना पता लगे कि यह चीज़ साडे सिलेबस विच है। सो मुहावरे सस्सा भाग तुसी कोई भी 10 अपनी फेयर कॉपी ते कर लियो, उहदे इस टाइम तुहानू वाक बनाओ भी आणगे, पर तुसी फेयर कॉपी ते करने हन ते सिर्फ अर्थ लिख लियो, उहदे मुहावरा ते उहदा अर्थ, बस वाक ना लिखियो। ठीक है, वाक लर्न कर लियो और वाक इदां दे बनाओ कि उहदे विच कोई ना कोई रीजन भी मैनशन होवे, सिद्धा मुहावरा कदी भी नहीं लिखीदा हुंदा। ठीक है, फर्स्ट है सक लाउणे, अर्थ है अपना मतलब कढ़ना। ठीक है, अजकल की दुनिया विच हर कोई जिहड़ा है वह अपना ही सक लाउंदा है ते दूसरियां बारे वह बिल्कुल नहीं सोचता। ठीक है, मतलब अपना ही मतलब कढ़दा है, दूसरियां बारे बिल्कुल नहीं सोचता। दूसरा है सा सुकणा, सांस सुकना डरना या सहम जाना भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सांस सत मुक जाने, बेचैन हो जाना। सांस सत हुंदा है कि कई बार बंदे दे विच ना बिल्कुल ही वह घबराया होया हुंदा है, घबराहट दे नाल उहदे विच उहनूं सांह नहीं आता। ठीक है, उहदा मतलब की हुंदा सांस सत मुक जाने, बेचैन हो जाना। शर्म नाल पानी पानी होना, बहुत
शर्मिंदा होना, सा विच सा होना, ठीक है, किसी मुसीबत तो निकल के सधारण अवस्था विच होना, राइट, मतलब जो तुहानू कोई भी प्रॉब्लम आती है तुसी उस प्रॉब्लम दे विचों दी जो निकलते हो जो सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है फिर तुहानू सा विच सा आता है, तुसी थोड़ा जा सुख दा चैन लेंदे हो, ठीक है। नेक्स्ट है साखी भरनी, गवाही देनी, विटनस बनना कि अजकल कोई भी भले मानस लोगों की साखी नहीं भरना चाहता, ठीक है, क्योंकि हर कोई अजकल दूर ही दूर रहता है, कोई भी झगड़े झमेलों में पैना नहीं चाहता। नेक्स्ट है सिर चढ़ना, मच्छरना, मच्छरना मतलब एक होंदा है सिर चढ़ना, एक होंदा है सिरे चाड़ना, ठीक है, सिर चढ़ना होंदा है मच्छरना भूए चढ़ना, जिस तरह पेरेंट्स बच्चों ओवर पैंपर्ड करके रखते हैं, है ना, कई बार वह भूए चढ़ जाते हैं तो उन्होंने जो चीज़ उन्होंने कहनी है उ पेरेंट्स उन्होंने लैके दे देंगे, ठीक है। एक होंदा है सिरे चाड़ना, कोई काम खत्म कर लेना, दा मैं क्या कि मैं अज ये वाला काम सिरे चाड़ के ही हटांगी, मतलब मैं ये वाला काम अज खत्म करके ही रहांगी, ठीक है। नेक्स्ट है सिर होना, किसी भैड़े के मगर पै जाना, जिथे ईमानदार बंदे नूं आदर सतिकार देना बनता है उत्थे रिश्वतखोर दे सिर होना चाहिए है, मतलब कई बार आप कहने ना वह हाथ धो के मेरे मगर पै गया, ये ओई वाला मुहावरा है, ठीक है, सिर होना कि किसा कोई भी ऐदा का व्यक्ति जरा चंगे काम नहीं करता माड़े काम करता है वो सिर हो जाते हाँ आप, मतलब वो पिछे ही पै जाते हाँ जिनी देर तक वह सुधरता नहीं है। सिर खुरकन की वेल ना होनी, बहुत ज्यादा रुझे होना, बहुत ज्यादा बिजी होना, तुसी इहनू अपने तरीके नाल लिख सकते हो कि पेपरां दे दिनां विच जां इम्तिहान दे दिनां विच विद्यार्थियों कोल सिर खुरकण दी वेल नहीं हुंदी, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजी हुंदे ने। लास्ट सिर गिट्टियां विच होना, गिट्टे एंकल्स, ठीक है, शर्मिंदगी उठानी, मतलब जो आप कोई भी झूठ बोलते हाँ या आप कोई भी ठगी करते हाँ पाप करते हाँ तो असी अपना सिर हमेशा गिट्टियां विच दिंदे हाँ, मतलब सानू बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पैंदी है, ठीक है। बाकी आप कल करांगे।